सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के दे साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दी खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 12 जुलाई है, दिन मंगलवार है। नानक शाही संमत 554 के मुताबिक अज 28 हाड़ है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानू सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे आं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने मत्तेवाला टैक्सटाइल प्रोजेक्ट नूं रद्द कर दिता है। समाज सेवी जथेबंदियां दे प्रतिनिधां दे नाल मीटिंग तो बाद सरकार ने यह ऐलान किया है। वातावरण जथेबंदियां दे नाल मीटिंग सरकार ने परसों ही सद लई सी, जदों ऐतवार नूं मत्तेवाला जंगल दे नेड़े वातावरण प्रेमियां दा वड्डा इकट्ठ होया सी, जिस दे विच हज़ारां लोग पहुंचे सन। इक्को ही मंग रखी सी कि इस नूं रद्द किया जाए। हुण सरकार इस प्रोजेक्ट नूं किते होर लावेगी। नाल ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक होर भी वड्डा फैसला लिया है कि दरियावां दे कंडे ते कोई भी इंडस्ट्री हुण पंजाब दे विच नहीं लाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट नूं लियाउण वाले पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस प्रोजेक्ट नूं रद्द कीते जाण ते अफसोस जाहिर किया है। कैप्टन ने इस कार्रवाई नूं सब तो पिछाखड़ी ते तंग नजरिए वाला फैसला करार दिता है। कैप्टन ने कहा कि टैक्सटाइल पार्क मत्तेवाड़ा जंगली खेतर दे अंदर नहीं आना सी, सगों इस तों बाहर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों ते वातावरण दीआं चिंतावां नूं ध्यान विच रखण तों बाद ही पार्क नूं मंजूरी दित्ती सी, पर हकीकत है कि इह जिहड़ा पार्क है वह मत्तेवाड़ा जंगल अते सतलुज दरिया के विचाले बनाया जाना सी। इहदे लई उस थां ते बनिया होईआं बने हुए जिहड़े भी प्रोजेक्ट सी उहनां नूं बंद कर दिता गया सी। इत्थे पिंड सेखोवाल की 407 एकड़ जमीन वह भी एक्वायर कर ली गई सी। जे इत्थे टैक्सटाइल पार्क बन जाता तो जो जो सर्वे हुए ने उहनां दे मुताबिक सतलुज का पानी भी गंदा होना सी। टैक्सटाइल पार्क यानी कि जिहड़ी कपड़िआं वाली फैक्टरी हुंदी है उस दे विचों सब तो वध प्रदूषण निकलता है। दुनिया भर के उन्ना प्रदूषण कोई भी फैक्टरी किसी भी समान की फैक्टरी नहीं फैलाती जिन्ना कपड़े बनाने फैलता है। सो वो जोड़ा धुआं उन्होंने निकलना सगा फैक्टरी के काम करन दे दौरान वो लगता बिल्कुल नाल लगता मत्तेवाड़ा जंगल है वह प्रभावित होना सी। उतों के पशु पंछी जानवर सारे प्रभावित होने से पौन पानी खराब होना सी। लुधियाना दे विच पहला ही बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, इस करके लोगों ने इसका विरोध किया। जो कैप्टन सरकार ने 1000 एकड़ वाला ये पार्क लिया तजवीज़ बना तजवीज़ लिया उदों ही वातावरण प्रेमियों ने रोस शुरू कर दिता सी। हुण जो नवी सरकार ने भी उस प्रोजेक्ट नूं अगे वधाउण की कोशिश की बजट के लिया तो लोगों ने फिर संघर्ष वड्डे पद्धर ते विढ लिया सी। इस संघर्ष की जित हुई है, ये पंजाबियों की जित हुई है। वातावरण ते पौन पानी बचेगा क्योंकि पंजाब दे विच जंगल हेठला रकबा बहुत ज़्यादा घट गया। वंड वेले ये 25% के करीब हुंदा सी, हुण 3-6% तक रह गया। ते पंजाब दे विच कल्ले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिन्हां ने इस नूं रद्द करन दा विरोध किया है, बाकी सब ने इसका स्वागत किया। पंजाब दे विच विरोधी धिर कांग्रेस कह रही है कि नवा मुख्यमंत्री बना दिता गया है, मुख्यमंत्री तो उत्ते एक सुपर मुख्यमंत्री ला दिता गया है। दरअसल सलाहकार कमेटी जिहड़ी आम आदमी पार्टी ने पिछले दिनी बनाई सी, उस कमेटी का चेयरमैन राघव चड्डे नूं ला दिता गया है। लोग सवाल कर रहे ने कि पंजाब दे 92 विधायकां दे विचों एक भी विधायक नहीं जिहड़ा इस कमेटी का चेयरमैन बनने दे योग होवे, कि दिल्ली का यह नौजवान लिया के पंजाब दे सिर ते बिठा दिता गया। क्योंकि सलाहकार कमेटी इस करके बनाई गई है कि पंजाब सरकार जो भी फैसला लेगी, कैबिनेट जो भी फैसला लेगी, उसनू इस सलाहकार कमेटी सलाह देवेगी, यानी कि हर फैसले दे विच इस कमेटी की दखल अंदाजी होएगी। जे राघव चड्डे नू चेयरमैन लाया गया तो सीधी दखल अंदाजी दिल्ली की है। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि राज्यसभा मैंबर राघव चड्डा की नियुक्ति सूबे के लिए लाभकारी है। दरअसल कुछ दिन पहला जदों सूबे दे मुख सकत्तर वीके जंजुआ ने अपना कार्यकाल संभालिया, नवे मुख सकत्तर बनाए गए ने। एकदम पहले नूं हटा के नवे नूं लाया गया, जिन्हां दे नियुक्ति भी विवादां दे विच घिरी, यानी कि वीके जंजुआ दी परसनैलिटी है जिहड़ी ओह विवादां दे विच घिरी हुई है, काफ़ी सारे इल्ज़ाम इन्हां ते लगे ने। सो अहुदा सांभण वाले दिन ही जंजुआ ने इस कमेटी दे गठन दा नोटिफिकेशन जारी कर दिता सी, ते नोटिफिकेशन जारी होण तों बाद कल चेयरमैन भी ला दिता गया है। यानी कि इस कमेटी दा काम बड़ी तेजी दे नाल बड़ी काली दे नाल कीता जा रहा है, जिवें इस कमेटी तो बिना सरदा ही नहीं। तो जिहड़ी इह कमेटी दा चेयरमैन लाया गया है आम आदमी पार्टी दा लीडर चड्डा, यह हुण सरकार नूं सलाह देण दे नाल नाल अधिकारियां दे नाल मीटिंग करन दे भी समर्थ हो जाएगा। यानी कि सीधा पंजाब दे जिहड़े अफसर ने, पंजाब दे वड्डे अधिकारी, कदों मर्जी उहनां नूं इह बुला सकदा है, कदों मर्जी उहनां दे नाल इह जिहड़ा अहुदा है उह मीटिंग कर सकदा है।
एक होर बड़ा महत्वपूर्ण तत्थ इत्थे आम आदमी पार्टी ने किया है, यानी कि बड़ी चलाकी इस नूं कहा जा सकता है कि सूबा सरकार ने इस कमेटी नूं लाभ वाले अहुदियां संबंधी कानून दे दायरे हेठों कढ़न लई नोटिफिकेशन ते विच एक तो वध वारी अस्थाई कमेटी दे गठन होण दा जिक्र किया, यानी कि टैंपरेरी कमेटी है। जे कमेटी टैंपरेरी होवे तां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट दे अधीन नहीं आउंदी, तो जे किसी कानून के अधीन नहीं आती तो उहदे विच जो मर्जी करी जाओ। तो यह भी थोड़ा याद करवा दें कि लंघे अप्रैल महीने पंजाब सरकार ने दिल्ली सरकार के नाल एक नॉलेज शेयर दस्तावेज से हस्ताक्षर किए हुए ने, यानी कि ज्ञान वंडन का समझौता किया होया। तो सरकार ने चड्डा की नियुक्ति करदिया उस दियां तरीफा के सोले पड़े ने। सरकार कह रही है कि राघव चड्डा पंजाब का ही रहने वाला है, पर बेहतर मौके की भाल के कुछ दहाके पहला इन्हों का परिवार दिल्ली चला गया सी, उंज ये जलंधर के रहने वाले ने। कहिंदे राघव चड्डा हमेशा अपनी जड़ां दे नाल जुड़े रहे ने। दिल्ली की पंजाबी अकैडमी नूं पैरां सिर करन दे विच भी राघव चड्डा ने अहम भूमिका निभाई। तो यह तत्थ बड़ा ही मिसलीड करन वाला है, क्योंकि दिल्ली दे विच पंजाबी अध्यापकां दी जो दुर्दशा है किसी दिन फिर तुहानूं दसांगे। तो जो नियुक्ति संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया उस साफ साफ लिखा गया कि जिहड़ी एक कमेटी बनाई गई है उसके चेयरमैन राघव चड्डा के मोढ़िया उत्ते हुण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार दीयां लोक पक्षी पहलकदमियां नूं लागू करन अते उहनां नूं घड़न की जिम्मेदारी होएगी। वित्त नाल संबंधित मुद्दों पर भी राघव चड्डा सरकार नूं सलाह देणगे। यह भी दावा किया कि राघव चड्डा की वित्ती सूझबूझ है जिहड़ी उह गंभीर वित्ती संकट नाल जूझ रहे पंजाब नूं कर्जे दे जाल विचों कढ़न लई वरदान साबित हो सकती है। उंज राघव चड्डा पेशे वजों CA ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, पर चड्डा नूं एक इकोनोमिस्ट वाला काम सौंपिया गया है। एक सूबे दा वित्त संभालणगे, देखणगे, सलाहां देणगे ते उहनां दे मुताबिक काम होएगा, इहदे विच कोई शक नहीं है। ते नियुक्ति क्यों कीती गई है, इस दा मकसद की है, इह लोक समझ रहे ने। विरोधी धिरां तां इस ते सवाल चुक्की रहियां ने, क्योंकि राजा वड़िंग ने भी ट्वीट किया है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान वड़िंग ने ट्वीट करके कहा कि राघव चड्डा नूं सलाहकार कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करना पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के बराबर है। वड़िंग ने तो यह भी कहा कि इंज लगता जिवें मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार नूं ठेके ते दे दिता दिल्ली वालियां नूं। कांग्रेस विधायक सुखपाल खहरा ने भी इसका विरोध किया है। तो सबका सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह ने भी ट्वीट करके आम आदमी पार्टी की सरकार से तंज कसदिया राघव चड्डा नूं पंजाब का सूबेदार कहा। उन्होंने कहा, पग पीली गल्लां भगत सिंह दियां चक्री दिल्ली दी। विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने चड्डा की नियुक्ति ते कहा कि जिवें 1846 दे विच बरतानवी साम्राज ने सिख राज नूं बाहरों कंट्रोल करन वास्ते ब्रिटिश रेजिडेंट सर हैनरी लॉरेंस नूं तैनात किया सी, उसे तरह राघव चड्डा दिल्ली दरबार की प्रतिनिधता करेगा। पंजाब सरकार ने कल एक होर नवा फैसला लिया है जिसनों सुन के कोई खुश है तो कोई उदास है। दरअसल पंजाब सरकार ने सूबे दे विच कल तो जमीन के कलैक्टर रेट 30-40% वधा दिते ने। नवे घर नवे प्लाट ते जमीन खरीदनिया होर महंगिया हो जाएगियां। इस वाधे नूं ज़्यादातर लोग तो नवा बोझ दस रहे ने, जदों के वह किसान खुश ने जिथे जमीन एक्वायर कीतियां जा रही ने, जिथे किसानों के हथ पले कुछ भी नहीं है। किसानों अपन जमीन वेचने मजबूर की जा रहा है, तो किसान खुश ने कि सानू चलो जमीना दे सही रेट मिल सकते ने। प्रॉपर्टी का काम करन वाले इस वादे तो नाखुश ने, क्योंकि उन्होंने खदशा है कि वेच वटत हुण घटेगी। जाहिर तौर पर जो प्रॉपर्टी के रेट वध जाते हैं तो फिर लोग प्रॉपर्टी की खरीद वेच घटा देंगे ने। खरीददारां दे लई हुण नवे घर प्लाट ते जमीन की खरीदो फरोखत करनी महंगा सौदा बन जूगा। आप सरकार ने खजाने के लिए वसीले जुटाउण दे वजों 11 जुलाई तो सूबे च प्रॉपर्टी के सरकारी भाव वधा दिते ने। हर जिला कलैक्टर वालों जून के आखिरी हफ्ते तो ही प्रॉपर्टी के नवे सरकारी भाव तय करन की प्रक्रिया शुरू कर दिती गई सी। कल तो हुण सूबे दे विच वधियां कीमतां दे नाल नवियां रजिस्ट्रियां होणियां शुरू हो गईयां ने। शहरी खिते दे विच ज़्यादा भाव निश्चित किए गए हैं, जबकि पेंडू खेत्र विच 25-30% का वाधा किया गया है। बठिंडा दे विच कांग्रेसी नगर कौंसलरां ने कलैक्टर रेट विच वाधे का विरोध भी किया। जलंधर जिले विच प्रॉपर्टी डीलरां ने कुछ समा पहला कलैक्टर रेट ना वधाए जाने की मांग रखी सी। पंजाब दे तकरीबन सारे जिलों दे विच वधे हुए कलैक्टर रेट ने जिहड़े उह लागू हो चुके ने। ते शहरां दे प्रॉपर्टी कारोबारी तर्क देंदे ने कि कलैक्टर रेटां दे विच बेतहाशा वाधा कारोबार नूं चौपट करेगा, लोकां ते नवां बोझ पवेगा। जाहिर तौर पर प्रॉपर्टी खरीदनी तो महंगी ही हो जाएगी। घर एक इंसान दे लई सब तो बेसिक लोड हुंदी है, घर दे विच रहना ही पैंदा है। चाहे वह किराए का घर लिया जाए, चाहे वह घर आप खरीदना पवे, लोगों नूं रहना ही रहना पैंदा है छत दे थले। सो जिहड़े लोगों ने घर लैण दे लई अपनियां स्कीमां घड़ियां सन, उन्हां दे लई ये वड्डा झटका जरूर है।
हुण गल करांगे पंजाब दे कच्चे कामयां दी जिहड़े कि रैगूलर होण दे लई दहाकियां तों तरस रहे ने। कल कैबिनेट सब कमेटी दी पहली मीटिंग हुई। पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने कच्चे कामयां नूं रैगूलर करन दे लई कोई अड़चन ना आवे, कोई कानूनी दिक्कत ना आवे, उस दे लई इह कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। इस मीटिंग दे विच वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उचेरी सिक्ख्या मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर ते जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस शामिल होए। इह तिन्ने इस सब कमेटी दे मैंबर ने। इन्होंने पुराने कानून बिलों की समीख्या की, कच्चे कामों रेगूलर करने लिए नवे राह तलाशन दे विच पंजाब सरकार नूं मुश्किल आ गई ने। तो हुण इस कमेटी की मीटिंग वीरवार को रखी गई है, यानी कि परसों ये दूसरे पड़ा ते नुकते ने जिहड़े ओह घोखे जाणगे। पता लग्या कि कामयां नूं पक्के करन दे विच कानूनी पेच फस गया ते उस पेच नूं खोलण दे लई कल कानूनी माहिरां तों सलाहां भी लईयां गईयां। तथ सामने आए ने कि गठजोड़ दी सरकार सी जिहड़ी अकाली बीजेपी दी 2016 दे विच, उस तों बाद कांग्रेस सरकार 2022 दे विच कच्चे कामयां नूं रेगूलर करन दे लई जिहड़े बिल इन्हां ने पास कीते सी हले भी राजपाल दे कोल बकाया पए ने। माहिर कहिंदे ने कि मनी बिल होण करके राजपाल लई इह लाजमी है कि उह इन्हां बिलां नूं पास करे जां फिर रद्द करे। तकनीकी तौर ते सरकार इन्हां बिलां नूं वापस नहीं मंगवा सकती। कैबिनेट सब कमेटी ने कल उमा देवी जजमेंट दे मद्देनजर भी 36,000 कच्चे कामियां दे केस नूं विचारिया। जजमेंट मुताबिक कच्चे कामे परवानित असामियां ते भर्ती किए गए होण, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की गई होवे, घट्टो घट 10 साल का कच्चे कामे वजों तजर्बा होवे। सब कमेटी हुण इसे नुकते नूं विचार रही है कि जजमेंट की उलंघना भी ना होवे ते वध तों वध कच्चे कामे भी रैगूलर किए जा सकण, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 36,000 कच्चे मुलाजमान पक्के करन दा ऐलान किया होया। तो जे ये ऐलान निपरे ना चढ़िया लागू ना होया तो जाहिर तौर पर सरकार का विरोध होगा। तो इन आउटसोर्सिंग वाले कच्चे कामे भी ने, सरकार किसी नूं नाराज़ नहीं करना चाहती। पंजाब दे किसानां नूं तबाह करन वाले बीज माफिया दे दिन हुण पंजाब दे विच पुग गए ने। बीज माफिया नूं नत्थ पाई जाएगी, किसे नूं बख्शिया नहीं जाएगा, यह ऐलान कीता है पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने। मंत्री ने ऐलान कर दिता है कि नरमा पट्टी के किसानों धोखे तो रख के बेचे गए गुजराती बीज के मामले की जांच की जाऊगी, इस विच शामिल लोगों खिलाफ़ कार्रवाई की जाऊगी। मोहाली स्थित पंजाब मंडी बोर्ड भवन के कल मंत्री धालीवाल ने ऐलान किया है। वह सारे अधिकारियों के नाल खेतीबाड़ी विभाग के सारे अधिकारियों के नाल पहली मीटिंग संबोधन कर रहे थे। खेती अफसर भी ताड़ना की है कि जितों कि नकली समान फड़िया गया सख्त कार्रवाई की जाऊगी। उन्होंने विभागीय अफसर दवाइया बीजा फैक्ट्रिया आदि सूची बना के सौंपण का हुक्म दे दिता है। पंजाब के किसानों गंभीर संकट चो कढ़न, खेतीबाड़ी लाहेवंत बना, किसानों कणक झोने के फसली चक्कर चो बाहर कढ़न के लिए अधिकारियों दफ्तर चो निकल के फील्ड में जाने की हदायत मंत्री जी ने जारी कर दतिया ने, ता जो जमीनी पद्धर के हालात की समीक्षा की जा सके। तो अज खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नरमा पट्टी का दौरा करेंगे, यानी कि मालवे के इलाकों का दौरा करेंगे। खास तौर पर बठिंडा मानसा के नरमा सारे किसान बीजते हैं, तो इतने नरमा वाहिया भी जा रहा क्योंकि गुलाबी सुंडी ने हमला कर दिता है। पिछले साल तो थोड़ा लेट किया, ऐतकी तो मूरले दिनों के ही गुलाबी सुंडी आ डिगी है, तो किसानों के कोल नरमा वाहण तो बिना कोई चारा नहीं बचा। इस मौके किसानों नूं तरवासा दिंदिया मंत्री जी ने ऐलान किया है कि ऐतकी किसी भी किसान का नुकसान नहीं होण दिता जाएगा, किसी भी किसान की फसल का नुकसान नहीं होगा, असीं इसकी जिम्मेदारी लैनी आ। विभाग दीआं 37 टीमां नरमा पट्टी के अद्धी दर्जन जिलों के फसल का जायजा लैके रिपोर्ट करनगियां। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाणा के माहिर भी इस टीम का हिस्सा होणगे। तो कहा जा सकता है कि आखिरकार सरकार की नींद खुल गई है उदों जदों किसानों ने यह फसल वाहनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि एक दो दिन तो हुए नहीं फसल बीजी 70-80 दिन हो गए ने, तो किसान हुण धड़ाधड़ फसल वाह रहे हैं। तो साढ़े वर्गे मीडिया अदारे ने जोड़े वो लगातार किसानों के इस दर्द की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, खबर चला रहे हैं, क्योंकि जदों गुलाबी सुंडी ने दस्तक देनी शुरू की खेतीबाड़ी महकमा सुत्ता रहा। गुलाबी सुंडी ते चिट्टी मक्खी दे हमले दी रोकथाम दे लई वी वेले सिर कदम नहीं पुट्टे गए, किसानां नूं कोई दवाई नहीं दित्ती गई, ते हुण जदों पाणी सिरों लंघण लग्गिया तां खेती अफसर वाणी पा दित्ते गए ने। चलो हुण वी चंगी गल है जे सरकार इस मुश्किल समें नूं कंट्रोल कर लो गई। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे कतलकांड नूं अज 44 दिन हो जाणगे। अज वी साडी नज़र रहेगी कि पुलिस इस मामले दे विच की कुछ अपडेट लैके आउंदी है, की कुछ कामयाबी पुलिस नूं मिलदी है। कल वी
काफ़ी सारिया अपडेट्स आईया ने अगे बुलेटिन के विस्तार के दसागे, पर एक होर जानकारी सानू मिली है कि कल इस कतलकांड गिरफ़्तार किए गए पंजाब विधानसभा के सबका स्पीकर ते अकाली लीडर निर्मल सिंह कालों के भतीजे संदीप कालों जांच के लिए लुधियाना CIA की टीम गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया स्थित उसके घर लैके पहुंची। उसके घर के तलाशी ली गई। संदीप कालों की मौजूदगी दे विच सर्च मुहिम चलाई गई ते कई सबूत मिले ने। पुलिस की टीम करीब एक एक घंटा दोवां घरां दे विच रुकी ते लोकां तों पड़ताल भी की गई। यानी कि गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़िया विच स्थित उसका घर है ते एक अमृतसर दे विच घर है। दोवां घरां दे विच पुलिस ने तलाशी ली। दोवां घरां दे विचों की कुछ सबूत मिले ने इस बारे कोई जानकारी हाले नहीं मिल सकी है। ते उधर मरहूम गायक दे मापे पिता बलकौर सिंह ते माता चरण कौर मन की शांति दे लई पुत तो बिना किवें इस दुनिया दे विच रहना सीखण, इस दे लई उह कुछ ना कुछ कोशिशां कर रहे ने। कल तख्त श्री दमदमा साहिब विखे माता पिता नतमस्तक होए ने। मत्था टेकण तो बाद दोवां जणिआं ने दरबार हॉल दे अंदर बह के कीर्तन सरवण कीता। इत्थे लोक उहनां नूं मिलदे रहे, धरवासा दिंदे रहे ते मत्था टेकण तो बाद मापिआं ने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ते तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल मुलाकात की। मूसेवाला कतल केस की पुलिस वालों की जा रही जांच नूं नाकाफी दस्या है। पिता ने कहा कि हुण तक जो भी तत्थ सामने लियांदे ने वो दिल्ली पुलिस ने लियांदे ने। पंजाब पुलिस सिर्फ रस्मी पड़ताल ही करती दिखाई दे रही है। जथेदार हरप्रीत सिंह ने मापिआं नूं दिलासा दिता है, भरोसा दिता है। उधर बठिंडा की केंद्रीय जेल दे विच बंद कैदी राजवीर सिंह नाल जेल विच कुटमार करन अते उसके केसां की बेअदबी करन दा मामला भखदा जा रहा है। बठिंडा दे विच दल खालसा दे प्रधान बाबा हरदीप सिंह खालसा सत्कार सभा अते किसान लीडर बलदेव सिंह सिरसा सने होरना सिख जथेबंदियां ने स्थानक अंबेडकर चौंक तो DC दफ्तर तक रोस मार्च कढ़िया। इस तों बाद DC ते SSP नूं मंग पत्र सौंपिआ। इस मौके कैदी राजवीर सिंह की माता भी मौजूद सी। माता ने कहा कि जदों तक उसके पुत्र नूं इंसाफ नहीं मिलेगा वह चैन नाल नहीं बैठेगी। पिछले दिन ही बठिंडा जेल दे विच बंद कैदी राजवीर सिंह ने जेल प्रशासन से अपने नाल कुटमार करन ते तसीहे देने तो इलावा जेल के दो मुलाजमान ते केसां की बेअदबी करन दे दोष लाए सन ते उसने मीडिया के सामने अपनी मां नूं केस भी दिखाए सी। रोंदिया रोंदिया सारी दुख भरी विथ्या दसी सी क्योंकि अमृतधारी इंसान के लिए केसां की बड़ी महत्व होंगी है, सिखां दे लई केसां दा बड़ा महत्व है ते जदों इह धक्के दे नाल कतल कीते जाण तां सिख दे लई मरन बराबर हो जांदा है। तो उस वक्त पेशी भुगतण आए राजवीर सिंह ने अपने शरीर ते सट्टां दे निशान भी दिखाए सी। अदालत नूं भी ये निशान दिखाए गए सी, जिस तों बाद अदालत ने राजवीर दा पुलिस रिमांड देण तों इनकार कर दिता सी। सो कल सारिया सिख जथेबंदियां ने ते माता ने बठिंडा जिला प्रशासन तों इस घटना की उच्च पदरी जांच करवाउण की मंग की है। पंजाब दे नवें सेहत ते परिवार भलाई मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा सूबे दे सरकारी हस्पतालां दे असल हालात जानण दे लई अज तो पंजाब दा दौरा विड़नगे। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वह फरवरी 2023 विच पूरे पंजाब दे सरकारी हस्पतालां दा मुड़ दौरा करनगे। वधिया सेवावां निभाउण वाले सिविल सर्जन नूं नगद इनाम देणगे ते अज दे दौरे दे विच ओह सरकारी हस्पतालां दी असली स्थिति नूं जानणगे ते उस नूं सुधारन दे लई अगे ऐलान करनगे। डॉलर दे मुकाबले रुपईए दे विच होर रिकॉर्ड पद्धर की गिरावट आ गई है। रुपया एक डॉलर के मुकाबले 79.45 के रिकॉर्ड हेठले पद्धर ते पहुंच गया है। यानी कि एक डॉलर हुण 79.45 का हो गया अमेरिकन डॉलर। जबकि कौमांतरी बाजार दे विच लगातार तीसरे दिन कच्चे तेल दीआं कीमतां विच गिरावट ने रुपये की कीमत की गिरावट से कुछ रोक जरूर लाई है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच हुण तुहानूं कुछ होर खबरां विस्तार नाल दसदे हां। सरकार आखिरकार लोगों के रोह मूहरे झुक गई है। मत्तेवाड़ा जंगल के प्रति लोगों का हेज देख के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं प्रोजेक्ट रद्द करन दा फैसला लेना पै गया। लुधियाणा के मत्तेवाड़ा दे विच हुण 950 तो वध एकड़ दे विच तजवीज़ टैक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। सरकार मत्तेवाड़ा जंगल ते सतलुज दरिया दे विचाले पार्क बनाउण दी योजना तो पिछे हट गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चंडीगढ़ दे विच मुख्यमंत्री निवास ते पब्लिक एक्शन कमेटी दे नुमाइंदियां दे नाल मीटिंग कीती। उस तों बाद इह फैसला लिया गया है। मान ने कहा है, CM मान ने, कि हुण मत्तेवाड़ा जंगल दी बजाए इह पार्क किसे होर थां ते बनाया जाएगा।
एक दिन पहला ही यानी कि ऐतवार इस पार्क के विरोध में मत्तेवाड़ा च वड्डा रोस मुजहरा किया गया सी, वड्डा इकट्ठ किया गया सी, जिस विच वातावरण जथेबंदियां सेखोवाल पिंड के निवासी अते पूरे पंजाब तो वातावरण प्रेमी इत्थे पहुंचे सन। सियासी पार्टियां भी पहुंचियां सन। कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग पहुंचे सन, एमपी सिमरनजीत सिंह मान पहुंचे सन, कांग्रेस के कई होर विधायक भी पहुंचे सन। जिस तों बाद मुख्यमंत्री ने समाजिक संस्थावां दे जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां दे नाल बैठक सद्दी सी, वातावरण कमेटी दे जिहड़े नुमाइंदे ने उन्हां नूं बुलाया सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों उन्हां दे दफ्तर दे वल्लों जारी कीती वीडियो दे विच मुख्यमंत्री ने कहा है कि मत्तेवाड़ा जंगल दे विच कोई उद्योगिक प्रोजैक्ट हुण नहीं लगेगा। कहिंदे केंद्र सरकार दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे समय सूबा सरकार नूं टैक्सटाइल प्रोजैक्ट की पेशकश कीती सी, 1000 एकड़ जमीन की मंग कीती सी। सूबा सरकार ने यानी कि कैप्टन दी सरकार ने मंजूरी दित्ती सी, साडी सरकार ने मुड़ विचार कीता। पता लग्या कि इहदे नाल सतलुज दा पानी दूषित होवेगा। गौर करन तों बाद कहिंदे असीं इस नूं रद्द करन दा फैसला लै लिया। इस तों पहलां असीं इहदे नाल संबंधित जिहड़ी कमेटी उहदे नाल वी गल्लबात कीती। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब दे विच पानी दे नेड़े कोई उद्योगिक प्रोजैक्ट नहीं लगेगा जिहड़ा पानी नूं पलीत करे, कि मत्तेवाड़ा दे जंगल च कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, बल्कि पंजाब दे विच जिथे भी दरिया दा किनारा है, जिथे भी कोई पानी जिहड़ा वह वगदा है, उत्थे कोई एहोजी इंडस्ट्री नहीं लगेगी जिहड़ी पानी नूं गंदले पानी नूं उहदे विच डंप करदी होवे। सो अज बड़ा वड्डा फैसला पंजाब सरकार वल्लों होया कि मत्तेवाड़ा दे जंगलां दे विच कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी। जे उन्हां ने लाउणी है असीं कितें होर जगह उन्हां नूं प्रोवाइड करा देंगे, पर उत्थे भी पानी ना हो खराब करन। सो असीं गुरु नानक साहब ने जो लिखिया सी कि पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, असीं इन्हां तिन्नें दर्जे नूं बचाउण लई जी जान ला देंगे, वचनबद्ध भी हाँ, बस तुहाडे समर्थन दी लोड़ है। इस फैसले दा आम आदमी पार्टी दी सारी लीडरशिप ने स्वागत भी किया है, लीडरशिप ने स्वागत भी किया है, राघव चड्ढा ने स्वागत किया है, कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने भी स्वागत किया, विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी सरकार दे अपनी सरकार दे फैसले की शलाघा की है। मत्तेवाड़ा जंगल दे विच बन जा रहे इंडस्ट्रियल पार्क की तजवीज रद्द होने का आम आदमी पार्टी ने स्वागत करदिया कहा कि साड़ी पार्टी ने पंजाब दे पानियां ते आबो हवा की राखी करने की वचनबद्धता दोहराई है। पार्टी के बुलारे मालविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे कहा कि चाहे पंजाब नूं इस वक्त इंडस्ट्री की पूरी लोड़ है, पर वातावरण दीआं लोड़ां ते लोकां दीआं भावनावां नूं देखदे हुए साडी सरकार ने इस तजवीज़ नूं रद्द किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पंजाब के लोगों ने पहला भी कमिटमेंट सी बिफोर इलेक्शन कि असी गुरु साहब के उस फलसफे ते उस सिद्धांत ते पैरा भी देना है, और पंजाब का पूरा इनवायरमेंट जिहड़ा आ पूरी जिहड़ी आबो हवा आ उन्हों दूषित होने तो बचाना है, और ये किस तरीके नाल सुधार आ सकता है। आज पंजाब च जंगल बचाने तो लैके पानी बचाने तो लैके धरती बचाने की मुहिम, चाहे वह पिछले दिनों जिस तरीके नाल फसलों को लैके माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कई प्रपोजल दिते, सो ये कोई दो राय नहीं है। इंडस्ट्री की भी पंजाब नूं लोड़ है, लेकिन सब तो वध जरूरत जिहड़ी है वह इनवायरमेंट बचाउण दी, और लोकां दीआं भावनावां दी कदर करदे होए पंजाब दे आने वाले भविख नूं मद्देनज़र रखते हुए जिहड़ी उत्थे एक्शन कमेटी आ उहदे नाल गलबात करके पंजाब दे माणयोग मुख्यमंत्री साहब ने अज जिहड़ा मत्तेवाड़ा टैक्सटाइल प्रोजेक्ट है उन्हूं रद्द कीता, और आम आदमी पार्टी इहदा स्वागत करदी है। मत्तेवाड़ा जंगल नूं बचाउण लई बनी कमेटी दे मैंबरां ने भी सरकार दे इस फैसले ते तसल्ली प्रगटाई। कमेटी दे मैंबर सीएम लखनपाल जिन्हां ने सीएम दे नाल मीटिंग करन तों बाद बयान दिता, उन्होंने कहा कि असीं मुख्यमंत्री नूं इस प्रोजेक्ट दे नुकसान गिणवाए ते इक्को इक मंग इही रखी सी कि इस नूं रद्द कीता जावे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साडी गल दे नाल सहमति जताई अते सुझाव मंगे। असीं कहा कि इक तां जिन्हां गरीबां पंचायतां दीआं जमीनां लईआं गईआं ने उह वापस कीतीआं जाण, दूसरा इत्थे ईको फ्रेंडली टूरिज्म विकसित कीता जावे।
इंडस्ट्री नूं कुदरती स्रोतां दे नेड़े ना ला के होर खुल्लियां ते रोही बियावान थावां ते वी लाउण दी कहिंदे सी अपील कीती सी। सरकार ने साडी मंग नूं मान लिया है। वातावरण प्रेमियां ने सरकार दे इस फैसले नूं सारे पंजाबियां दी जित दस्या। इस फैसले नाल कहिंदे पंजाब दा पाणी ते आउण वालियां नस्लां बच गईआं ने ते मत्तेवाड़ा दे विच प्रोजैक्ट रद्द कीते जाण दे फैसले दा हर पासे सरकार दा स्वागत हो रिहा है। लख तों कांग्रेस दे विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने ट्वीट कीता कि पंजाब दे लोकां दी ताकत है कि भगवंत मान सरकार नूं मत्तेवाड़ा दे टैक्सटाइल पार्क नूं रद्द करन दा फैसला लेना पिया। खैरा ने पंजाब दे लोकां नूं वधाई दित्ती। संगरूर तों लोक सभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने भी इस फैसले दा स्वागत कीता है। अपने ट्वीट दे विच उन्हां लिखिया कि इस दे नाल पंजाब दा पाणी ते हवा प्रदूषित नहीं होणगे। पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन ललकार ने भी इस नूं आम लोकां दी जित दसदे होए संघर्ष करन वाले लोकां संस्थावां ते जथेबंदियां नूं वधाई दित्ती है। उन्हां कहा कि सरकार लोक दबाअ हेठ इस नूं रद्द करन दे लई मजबूर हुई है, पर लोक इस मसले ते इन्हां सियासी पार्टियां दा दोगलापण हमेशा चेते रखणगे कि लोकां दे संघर्ष सदका ही सरकार नूं अपने हत्थीं लिखे काले लेखां ते लीक फेरन दे लई मजबूर कीता है। श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब सरकार दी मत्तेवाड़ा दी पवित्र धरती ते इतिहासिक धरती नूं प्रदूषित करन दी जिद नहीं पुगी। बादल ने कहा कि मत्तेवाड़ा दी धरती कुर्बानियां दी गाथा गाउंदी है। अजिही धरती उत्ते अजिहे प्रोजैक्ट लाउण दा ख्याल वी पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं किवें आ सकदा है। कहिंदे इस सवाल दा साडे दा जवाब नहीं आया, पर चंगी गल है कि प्रोजैक्ट रद्द कर दित्ता है। सो आम आदमी पार्टी दी सरकार समां रहिंदिआं ही चंगा फैसला लै गई है, क्योंकि मुद्दा वातावरण दा सी, लोकां दी सेहत दे नाल जुड़िया मुद्दा सी, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60-40 ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60% ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ ਉਹ 40% ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 43 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 43ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਅਪਡੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ BJP ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ
ਸੁਰਜੀਤ ਮਿਲਖਾ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਜਿਸਨੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸਬਾ ਰਈਆ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸ਼ੁਭਮ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ PRTC ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ 2 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇ ਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਦੇ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 5 ਨੇ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ
पोस्ट पा के कहा कि पहला भी कहा हूं भी कहने सानू माणयोग कोर्ट की न्याय प्रणाली से पूरा भरोसा है जो भी सच है बहुत जल्दी सारिआं दे सामने आ जाऊगा। सिमरजीत सिंह बैंस सरेंडर कर रहे ने, उस तो बाद बैंस ने आत्म समर्पण कर दिता। सरकार ने पंजाब दीआं सरकारी बसां ते लगियां संत भिंडरांवालियां दीआं तस्वीरां नूं इतराजयोग दसण वाली चिट्ठी हुण वापस लै लई है। मामला काफी भखिया जिस तों बाद इस चिट्ठी नूं वापस लिया गया। सरकारी चिट्ठी दे विच दरअसल पीआरटीसी बसां ते लगियां जरनैल सिंह भिंडरांवालियां सने जगतार सिंह हवारा दीआं फोटोआं ते इतराज प्रगटाया सी, कहा सी कि इन्हां फोटोआं दे नाल पंजाब दा माहौल खराब हो सकदा है, इसलिए पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर विभाग वालों चिट्ठी जारी की गई सी कि इन्हां तस्वीरां नूं हटा दिता जाए। मूसेवाले दीआं तस्वीरां हटाउण दे लई भी कहा गया सी। इसका पंथक जथेबंदियां ने काफी विरोध किया सी, पर हुण पेप्सू रोड ट्रांसपोर्टेशन पटियाला ने नवे हुक्म जारी किए ने। इस चिट्ठी दे विच लिखा है कि दफ्तर नूं सरकार दे वल्लों ईमेल राही शिकायत प्राप्त हुई सी, जिस तों बाद एक चिट्ठी जारी की गई सी। हुण इस चिट्ठी ते इस विषय नाल कुछ धार्मिक संस्थावां ने इतराज प्रगटाया सी, उन्हां दीआं भावनावां नूं ठेस पहुंची ते दफ्तर वल्लों जारी पत्तर असीं वापस लैंदे हां। सो लगदा है कि मामला हुण थोड़ा ठंडा हो जाऊगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली दे विच सिख भाईचारे दे मशहूर रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक ते शिकंजा कस दिता है। आरबीआई दे वल्लों रामगढ़िया बैंक दे गाहकां दे लई सब तों वड्डा हुक्म यह है कि अगले 6 महीने तक सिर्फ 50,000 तक ही बैंक तों राशि कढ़वा सकदे ने, यानी कि उन्हां दे अकाउंट च भावें किन्ना भी पैसा क्यों ना पिया होवे ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਹੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੋਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਹਵਾ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ TA ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ TA ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 3 TA ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਉਂਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਜਾਊਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਅਲਾਊਂਸ 1500 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 4500 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 2-2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 4500 ਦੀ ਬਜਾਏ 9000 ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਨੇ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ।
बड़ी हैरानी की गल है क्योंकि बंदा तो एक है, कमेटियां भावे 10 दे विच शामिल होवे, जे उन्हें लुधियाने तो चंडीगढ़ आना है एक बार आऊगा ना, बंदा तीन बार एक बार आऊगा जाऊगा आऊगा, इस तरह तो नहीं होगा। सो नीतियां ने जिहड़ियां सरकार ने बड़ियां अपने पक्ष दे विच बनाईयां हुंदियां ने, पर आम आदमी पार्टी की सरकार इन्हां नीतियां नूं ठीक करन की कोशिश कर रही है। तो जे ये नीति लागू हो जाती है तो सरकार नूं 2 करोड़ तो वध दा जिहड़ा फायदा होगा, खजाना जिहड़ा उह थोड़ा हौला होने तो बचूगा, खजाने की 2 करोड़ तो वध दी राशि जिहड़ी बच जाऊगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक होर नवी सहूलत आम लोगों के लिए जारी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सीनियर अधिकारियों की हाजिरी के विच पंजाब पुलिस का जनतक शिकायत निवारण पोर्टल जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिसाली कदम का उद्देश लोगों को घर बैठे ही कंप्यूटर के एक क्लिक के उत्ते ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करवाने, शिकायतों उत्ते हुई कार्रवाई पर निगाह रखना, रिपोर्ट हासिल करने की सहूलत देना है। वैबसाइट का नाम है pgd.punjabpolice.gov.in। इस पर तुहानू जाना होगा, ये अपना नाम से मोबाइल भरना होगा, उस तो बाद तो एक पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड तो बाद पोर्टल से पक्का खाता बन जूगा, तो फिर तुसी अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हो, तो पंजाब पुलिस तुहाडी शिकायत का हल कढ़न की कोशिश करूगी। भारत के विच पहली बार हो रहा है कि असी पंजाब पुलिस जी ऑनलाइन तुसी शिकायत दर्ज करा सकते हो, उस शिकायत की कॉपी ले सकते हो, जो उस शिकायत पर कोई निपटारा हो गया वह भी तुहानू घर ही मिल जूगी, कोई उस शिकायत प्रति पुछगिछ हुई तो तुहानू बुला लिया जाऊगा संबंधित थाने जिथे भी, तो जे तुसी उस इनकुआरी तो संतुष्ट नहीं हो तो तुसी दोबारा अपील कर सकते हो। तो ऑनलाइन जिहड़ा पंजाब पुलिस ने अज जारी किया है कि तुसी घर बैठे जिहड़ी है कंप्लेंट कर सकते हो, उस कंप्लेंट की कॉपी ले सकते हो, तो उस कंप्लेंट का स्टेटस तो जो निपटारा हो गया वह सारा कुछ तुहानू घर मिलेगा, ताकि तुहाडियां काफ़ी थाणियां दियां जिहड़ियां खज्जल खुआरियां जिहड़ियां ने। मालवा पट्टी के किसानों के लिए जरूरी खबर है कि खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अधिकारियों को जमीनी पद्धर से किसानों की मदद करने के हुक्म दिए ने। धालीवाल ने खेतीबाड़ी विभाग का अहुदा सामने तो बाद हदायतां दित्तियां कि नकली कीटनाशक खादा ते बीजा नूं मुकम्मल खत्म किया जाए, कुछ भी नकली समान कितें फड़िया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नकली दवाइयां ते बीजां दी अलामत पंजाब विचों जड़ों खत्म करने लई खेतीबाड़ी अधिकारियों नूं मंत्री ने ताड़ना कीती है। नकली खादा, नकली बीज ते नकली जिप्सम, इन्हां चीजां दी विक्री किसे भी हालत विच नहीं होण देंगे, भावें जो मर्जी करना पवे। पंजाब दे अंदर नकली दवाइयां झोने लई, कणकां लई, दूसरियां फसलां लई जिहड़ियां हुण तक विकदियां रहियां सीधे जां सीधे ढंग दे नाल, इहनूं बंद करांगे और पंजाब दी धरती दे उत्ते इन्हां दवाइयां ने अगे पंजाब दे अंदर कैंसर जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ, ਨਕਲੀ ਖਾਦ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਔਰ ਜਿਪਸਮ ਸਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 37 ਟੀਮਾਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ 60-70 ਦਿਨ ਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੂਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SGPC ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ
ने हाल ही हुई जिमनी चोणा विच मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान के जद्दी जिले संगरूर तो सीट हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने भगौड़े व्यापारी विजय मालिया मानहानि के केस विच चार महीनों की कैद की सजा सुनाई है। दोष है कि उसने अदालती हुक्मां की उलंघना करदियां 40 मिलियन डॉलर अपने पुत्रां ते धीआं नूं भेजे हन, पर यह चार महीने की सजा भुगतूगा कौन? विजय मालिया भारत सरकार के हथ किवें आएगा जिहड़ा कि भगौड़ा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नू नैशनल हेराल्ड अखबार दे नाल जुड़े काले धन नू सफेद करन दे मामले विच 21 जुलाई नू पुछगिछ दे लई तलब कीता है। गांधी नू 23 जून नू पेश होण लई दूसरी वारी समन जारी कीता गया सी, पर बीमारी कारण ईडी मूहरे नहीं पेश हो सके सी ते हुण उहनां नू 21 जुलाई नू पुछ पड़ताल दे लई बुलाया गया है। नैशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेईई मेन दा नतीजा ऐलान दिता है। इंजीनियरिंग कॉलेजां ते संस्थावां दे विच दाखला वाली इस प्रीख्या दे विच 40 उम्मीदवारां ने परफेक्ट 100 दा स्कोर हासिल कीता। इस दे विच पंजाब दा मरनाल गर्ग ते हरियाणा दा सार्थक महेश्वरी भी शामिल ने। गुजरात तो खबर है जिथे भारी मीह पैण कारण कई इलाकों दे विच हड़ां वर्गे हालात पैदा हो गए ने। कुछ पिंड तां पानी विच डुब गए ने। भारी मीह पैण करके करीब 3000 तों वध लोकां नूं सुरक्षित थावां ते पहुंचाया गया है। गुजरात सूबे दे सूचना विभाग दे मुताबिक छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड, नवसारी ते पंचमहल दे विच करीब 10 घंटे मोहलेधार मीह पिया है। लगातार मीह पैण कारण सूबे दे विच 2 दिनां दे अंदर घट्टो घट 388 सड़कां नूं बंद कर दित्ता गया है। भारी मीह दे नाल निपटण दे लई सूबे दे विच एनडीआरएफ अते 13 होर एसडीआरएफ दीआं 16 टीमां तैनात कीतीआं गईआं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दे मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल दे नाल फोन ते गल्लबात कीती। सूबे दी मौजूदा स्थिति दी जानकारी लई मोदी ने सूबे नूं हर संभव मदद देण दा भरोसा दित्ता है। सीएमओ गुजरात वल्लों ट्वीट करके इस दी जानकारी दित्ती गई। जम्मू कश्मीर दे विच पिछले हफ्ते बदल फटण करके वापरे हादसे कारण रोकी गई अमरनाथ यात्रा नूं मुड़ तों शुरू कर दित्ता गया है। हालांकि यात्रा नूं इक ही रूट तों शुरू कीता गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने कहा कि बदल फटन करके अस्थाई तौर पर रोकी गई अमरनाथ यात्रा ननवान पहलगाम वाले पासे तो मुड़ तो शुरू हो गई है, जबकि बाकी पासियां तो हाले बंद है। वो तीर्थ यात्री जिहड़े कि बालटाल बेस कैंप विच यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, वह हुण अगे वध सकते हैं। बालटाल ते ननवान दोवां पासियां तो चॉपर्स उपलब्ध करवाए गए ने। तीर्थ यात्री जम्मू बेस कैंप तो मंदिर के लिए निकल गए ने। शुक्रवार शाम को करीब 5:30 बजे बहुत ज्यादा मीह पैण कारण बदल फटिया सी। उस तो बाद वड्डी मात्रा दे विच पानी जमा होने कारण 16 लोगों की हुण तक मौत हो चुकी है ते 40 लोग हाले भी लापता ने, भाल की जा रही है। 34 जख्मियों नूं उत्थों कढ़िया गया है। यूपी दे लखीमपुर खीरी तो खबर है जिथों की अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ दे सह संस्थापक मुहम्मद जुबैर नूं 14 दिनों की न्यायिक हिरासत विच भेज दिता है। नफरत और दुश्मनी फैलाने की कथित कोशिश दे लई जुबैर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जुबैर वधीक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के राही पेश हुए। इस्तगासा धिर ने उसकी पुलिस हिरासत मंगी सी, जिसका जुबैर के वकील ने विरोध किया। बाद में अदालत ने जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अगली सुनवाई 13 जुलाई नूं होएगी। इस तो पहला जुबैर ने जमानत भी मंगी सी, पर उसकी जमानत नूं अदालत ने खारिज कर दिता सी। खेडां दे नाल जुड़ी हुई खबर है। भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता ने सोमवार नूं चांगवान दे विश्व कप दे विच पुरशां दे 100 मीटर एयर राइफल मुकाबले दे विच मुल्क लई पहला सोन तगमा जितया है। सोन तगमा मुकाबले दे विच अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक्स दे चांदी तगमा जेतू लुकास कुजेंस्की नूं 17-9 दे नाल हरा के यह जित हासिल कीती है। पंजाब दा अर्जुन 23 साल दा है। 2016 तो भारत की प्रतिनिधता कर रहा है। इस तो पहला और रैंकिंग मुकाबले 666.1 अंकों के नाल सिखर ते रहिंदिया सोन तगमा मुकाबले विच थां बनाउण दे विच सफल रहा सी। अर्जुन दा सीनियर टीम दे नाल पहला सोन तगमा है। पंजाब के लिए वड्डी खबर है कि पंजाब दे अर्जुन ने निशानेबाजी दे विच सोन तगमा भारत की झोली पाया है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच तुहाडी सब तो इजाजत चाहुंदे आं। धन्नवाद।